हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग करने का सोचा, तो आज मैं व्लॉग इसलिए कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पे एक स्ट्रे डॉग रहती है जिसके नाक में जोंक घुस गई है। तो आपको मेरे पीछे जो डॉग दिख रही है ना, इसके नाक में जोंक घुसी हुई है और मैं और पापा ट्राई कर रहे हैं कि इसको घर तक पहुँचाएँ और उसके बाद इसकी जोंक निकालें। ये मतलब आज से 2-3 दिन पहले आई थी नीचे, तब हमने देखा था कि इसके नाक में जोंक घुसी हुई है, तो जैसे ही हमने निकालने की कोशिश की ये भाग गई। तो आज हम ट्राई करेंगे दोबारा कि इसके नाक से निकल जाए। ये सांस भी नहीं ले पा रही ठीक से और इसके बेबीज हुए हैं अभी, तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि नीचे ले जाके, घर के पास ले जाके इसकी जोंक निकालें, मैं और पापा। तो अभी हमारे साथ नीचे भी नहीं जा रही थी, अब हम बड़ी मुश्किल से खाना देते हुए इसको ले जा रहे हैं नीचे। और हम ये लाए थे इसके लिए चॉप का लीश और कॉलर, बट ये पहन के ये जा नहीं रही है, बट अब हम इसको खाने का लालच देके नीचे ले जा रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि बेचारी बोल भी नहीं सकती, अब निकालनी तो पड़ेगी इसके नाक से जोंक। तो अभी इसको नीचे पहुंचाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जो ये वाली बिच है, इसके नाक से, इसके नाक में जोंक, नो 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 नो, इसके नाक में घुसी हुई है, बेचारी सांस भी नहीं ले पा रही है। और अभी हम निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। वो देखो निकल रही है। हाँ निकल रही है जोंक, देख देखो, आप देख सकते हो इसको नाक से ना बीच बीच में जोंक निकल रही है बाहर। इनको खाने का लालच दे के लेके जा रहे हैं। ये जो ये वाली है ना, ये वाली, इसके नाक में जोंक घुसी हुई है। अब पापा इसको खाने का लालच दे के नीचे तक पहुंचा रहे, क्योंकि बांध के ले जाने की ट्राई की तो ये खाने पड़ रही थी। अब सेफ्टी तो हमें भी रखनी पड़ेगी थोड़ी। अच्छा अच्छा, उधर रह तू। अब जोंक निकली बाहर, चलो क्या चाहिए, खाना दो दीदी। हाँ मुझे भी तो दो, मुझे भी तो दो। आ जाओ आ जाओ। अभी हम ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं और हम ले ही आए हैं इसको एक तरह से घर तक, की आई नहीं रही थी हमारे साथ। तो अभी हम देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि हम भी कोई प्रोफेशनल थे, हमें भी नहीं पता क्या करना है। थोड़ी बहुत वीडियोस देखी हमने भी, तो अब देखते हैं निकल पाती है या नहीं। ट्राई तो हम पूरी करेंगे कि निकल जाए, क्योंकि इसके 2-3 दिन हो गए हैं घुसे हुए, मुँह से सांस ले रही है। अपनी बहन को बोल निकलवा ले, अपनी बहन को बोलो जोंक निकलवा ले, अपनी बहन को। तो बिगाड़ सकती है, ऊपर वाला जो होता चलेगा इसका। अपनी बहन को बोलो निकलवा ले जोंक, अपनी बहन को बोलो जोंक निकलवा ले। क्या करूँ दीदी, ये मेरी सुनती नहीं है, ये तो मेरी बड़ी बहन है ना, ये मेरी बात मानती ही नहीं है। तो जिस डॉग को हम पकड़ के लाए हैं ना जोंक निकालने के लिए, वो भी भाग गई है। हमने उसको प्रॉपर बांध दिया था, बट ना वो बांध, मुँह नहीं बांधने दे रही और काट रही है। तो अभी वो भाग गया, मैं उसको देखने जा रही हूँ कि कहाँ गई है। अभी नीचे को उतारती हूँ, और एक डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ, अगर वो एनेस्थीसिया वगैरह दे दें उसको कुछ, तो देखते हैं क्या होता है। चलो नीचे, चलो नीचे। ये भाग के यहाँ पे आ चुकी है, अब पता नहीं कैसे ले जाऊँ इसको। ये देखो आप देख सकते हो, जैसे इसकी जोंक निकल रही है नाक से ये बाहर। यहाँ आए आए आए, लो लो, ले, अच्छा ले। ये देखो इसकी, आप देख सकते हो जैसे जोंक निकल रही है नाक से बाहर, ये बेटे निकालने दे नहीं रही है। और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है ना, क्योंकि ये काट कूट भी सकती है, हम लोग भी इतने प्रोफेशनल नहीं है। क्या बोला उन्होंने, किससे क्या बोलते? ये अभी भाग गई थी नीचे से उसके। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, निकल रही निकल। ओह शिट 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 शिट, इनसे बोले नमक भर के ना नाक में डालना। ये आप देख सकते हो इसके नाक में जो ब्लैक ब्लैक सा बाहर निकलते हुए दिख रहा है ना, ये जोंक है सारी की सारी। हमने एक डॉक्टर से पूछा है कि क्या करना है, उन्होंने बोला है कि सिरिंज में नमक लेके उसके नाक में डाल दो। तो अभी देखते हैं,
क्या होता है यहाँ। तो अभी हम सिरिंज ले आए हैं और इसको यहाँ देखो, यहाँ पे पकड़ा हुआ है। इसको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो अभी एक अंकल है, उन्होंने बोला है कि सिरिंज, क्या बोला है, सिरिंज में नमक और पानी डाल के इसके नाक में डाल दो तो निकल जाएगी जो। और इसको बंधे रहने की आदत नहीं है, इसलिए छुड़ा के भाग रही है बार बार और काट रही है हमारे को। और नीचे जो भौंकने की आवाज़ आ रही है, चौप भौंक रही है, उसको लग रहा है कि हम दूसरे कुत्तों के साथ हैं। चौप की, हाँ नहीं नहीं पड़ी हुई है वो ना, हमें भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमने ऐसा कभी किया नहीं है। बट काफ़ी दिनों से ये परेशान दिख रही थी, तो मेरे को ना इसके नाक में जोंक दिखी एक दिन। मैंने और मेरे नेबर ने पहले भी ट्राई किया था कि ये निकल जाए, बट निकल नहीं पाई थी। इधर आओ, क्या हुआ क्या हुआ, बस हो गया हो गया हो गया। इसके नाक से ना थोड़े थोड़े टाइम बाद ना वो जोंक बाहर निकल रही है और इसको ब्रीथ करने प्रॉब्लम हो रही बहुत ही ज़्यादा। तो आपके आसपास भी ऐसा कोई डॉग है मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम है ना, प्लीज़ देख लिया करो। अब जितना हमारे हाथ में, हम भी इसके लिए उतना कर देंगे। बाकी ऐसा तो मैंने देख लिया कि कोई भी हेल्प के लिए आगे आता नहीं है, सब बातें बनाने में आगे। और ना सबसे बड़ी बात ना, इसके अभी अभी बेबीज हुए हैं, तो सोचो बेचारी को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। ये बच्ची, नमक डाल के वही पानी डाल के तभी निकलेगी, ऐसे निकलेगी। हिना एक और बार भाग गई है। एक साइड की तो हमने निकाल दिया जोंक, एक साइड की बची है। चलो नीचे चलो, नो 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 नो। तो अब हम घर पे वापस आ गए हैं। जिस डॉग की हम जोंक निकाल रहे थे, उसने दो ही निकालने दिए जैसे ही पापा ने नमक के पानी वाला वो डाला, उसके ये सिरिंज में नमक का पानी डाला और उसके नाक में डाला, मतलब उसके नाक में लगा होगा, तो वो रस्सी छुड़ा के भाग गई। तो दो जोंके निकली उसके नाक से, उसके नाक में टोटल चार पाँच जोंके थी, उनमें से दो निकली है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये निकली है दो जोंके जिनको हमने नमक वाले पानी में डाल दिया है, और बाकी जब और निकालने लगे तो भाग गई। हमने अपनी पूरी ट्राई की निकालने की, पर अब वो भाग गई। तो हम काट भी रही है हमारे को, हाँ वो काट भी रही थी, बाकी वो स्ट्रे डॉग है, तो फिर अब वैक्सीनेशन भी नहीं लगी है उसकी, और हमें इतना पता भी नहीं कि कैसे निकालनी है, और वो भाग रही थी। दो बार तो हमने पकड़ के ले आई वापस, और दो तो निकाल भी थी, क्योंकि हमें जो और पेट्स जिन्होंने रखे हुए उन्होंने एडवाइस किया था कि आप ऐसे नमक वाली सिरिंज का पानी डालो उसमें, तो हमने डाल के देखा तो दो तो निकल गई, बाकी जब और निकालने लगे तो वो भाग गई छुड़ा के, मतलब रस्सी। तो अब कुछ हम एक बार फिर दोबारा से ट्राई करके देखेंगे, अगर निकलती है तो ठीक है, हाँ मतलब डॉक्टर को बोलेंगे। हाँ मतलब एक दो बार देखेंगे, और ऊपर जाके जो बेल्ट टाइप की होती है ना इनका मुंह बांधने की, क्योंकि वो मुंह ही नहीं बंधवा रही थी, काट रही थी, तो अगर मुंह बंधा होता तब तो सारी निकाल देते ना, क्योंकि जोंके बार बार बाहर आ रही थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया होगा, आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो अब देखते हैं एक दो दिनों में क्या होता है, अगर निकल जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, और बनानी तो थी नहीं बट ऐसी रैंडम सी बन गई। और अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई स्ट्रे डॉग्स, उनकी हेल्प किया करो, खाना वगैरह दे दिया करो उनको, और तो इतनी हेल्प कर सकते हैं उनकी, क्योंकि ये लोग तो बोल नहीं सकते, तो हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।